हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीप्ति और आपका स्वागत है डिलीशियस फूड विद दीप्ति में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल मटर पनीर। ये बहुत ही डिलीशियस बनता है और बनाने में भी बहुत ही इजी है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में ले लिया है 2 बड़े चम्मच ऑयल। अब इसे थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे 2 तेज़पत्ते और साथ ही कुछ खड़े गर्म मसाले। यहाँ पर मैंने ली हैं 10 से 12 काली मिर्च, 1 इंच दालचीनी, 3 लौंग और 1 बड़ी इलायची। इनको भी हम तेल में डाल देंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े प्याज चॉप किए हुए। प्याज को हम मीडियम हीट पे सुनहरा होने तक भूनेंगे। प्याज में अच्छा सुनहरा रंग आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको मैंने थोड़े से पानी में घोल लिया है। इसको भी हम 1 मिनट तक भूनेंगे, इसकी रॉ स्मेल निकल जाए तब तक भूनेंगे। 1 मिनट तक भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक। मैंने यहाँ पे 1 छोटी चम्मच नमक डाला है। नमक को अच्छे से मिला देंगे और इसको ढककर हम पकाएंगे। बीच बीच में चलाते हुए हम इसको भुनी खुशबू आने तक पकाएंगे, जब तक टमाटर ऑयल ना छोड़ दे तब तक। जब तक टमाटर पक रहे हैं तब तक हम यहाँ पर सूखे मसालों का पेस्ट बना लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा और 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर। इनको हम 1/2 कप पानी में घोल लेंगे और इनका पेस्ट बना लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, आप ये वाली चीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको हम एक तरफ रख देंगे। 5 मिनट बाद ही आप देखेंगे कि टमाटर बहुत अच्छे से पक चुके हैं और इन्होंने अपना ऑयल छोड़ दिया है। ढकने से टमाटर जल्दी पक जाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे वो घोल मसालों का जो अभी हमने तैयार किया था। इसको भी हम बहुत अच्छे से मिलाकर 5 मिनट के लिए ढक देंगे, जिससे मसाले सब कुछ बहुत अच्छे से एक दूसरे में मिल जाएंगे और ये अपना ऑयल छोड़ देंगे। ये देखिए, मसाले ने अपना ऑयल छोड़ दिया है, इसका मतलब ये बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप फिटा हुआ दही। इसको भी हम बहुत अच्छे से मिला लेंगे। इसको भी हम 1 मिनट तक ढक देंगे। ढकने से मसाला जल्दी पकता है और ऑयल जल्दी छोड़ देता है। अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप दूध। दूध जाते ही फट ना जाए, इसके लिए इसका हम टेम्परेचर कम करने के लिए इसमें डाल देंगे 1/2 कप पहले पानी। पानी मिलाकर इसका हम टेम्परेचर कम कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध। इसको भी बहुत अच्छे से मिला देंगे। हम ना ही तो इसमें काजू डाल रहे हैं और ना ही हम इसमें कोई क्रीम डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पनीर है तो कुछ तो रिच फ्लेवर इसमें होना ही चाहिए। इसको बहुत अच्छे से मिलाकर अब हम इसमें डालेंगे मटर। मैंने यहाँ पे 1 कप उबली हुई मटर ली है। वो क्लिप स्किप हो गई, लेकिन आप यहीं पर हरी मटर डाल दें और इसको ढक दें 5 मिनट के लिए। मटर भी यहाँ पर बहुत अच्छे से मसाले में मिल गई है और पक गई है। अब हम इसमें डाल देंगे पनीर। इसको भी बहुत अच्छे से मिला देंगे। और साथ ही डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। इसे हाथों से क्रश करके डाल देंगे। इसको अच्छे से मिलाकर अब हम फाइनल 5 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। ढकने से इसका जो इतना भी ऑयल है वो ऊपर सरफेस पे आ जाएगा, जिससे पनीर देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। पनीर के फाइनल टच के लिए अब हम इसमें डालेंगे 1 जूलियन कटी हुई अदरक और 2 हरी मिर्च बीच में से कटी हुई। ये ऑप्शनल है, पर इनका स्वाद पनीर में बहुत अच्छा आता है। लीजिए, तैयार है आपका गर्मा गर्म मटर पनीर। चलिए इसको सर्व करते हैं। गार्निश करेंगे जूलियन जिंजर से और धनिया की पत्ती से। अब आप इसे रोटी, पराठा, चावल किसी के साथ भी इंजॉय करें। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।